एक ईंट से भी अपने चेस्ट को क्या कर सकते हो, पंप कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे देख सकते हो, वन टू, अपना पूरा फोर्स अपने चेस्ट पे डालो, हाथ पे डालने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा फोर्स अपने चेस्ट पे। कि बड़ी बेबसी से सूरज को चांद करता हूँ, कि बड़ी बेबसी से सूरज को चांद करता हूँ, ए माँ मैं हर रोज तुझे याद करता हूँ। तो जय हिंद साथियों, कुमार साहब फिर से स्वागत है आपके अपने रेसर पर ब्लॉग्स पे। आज की जो चर्चाएं होने वाली है, आपने थंबनेल से पता लगा लिया होगा एक कौन सी बातों पे चर्चा होने वाली है। सबसे पहले चेस्ट को इतना पंप कैसे कर ले ताकि कभी भी हमारा चेस्ट क्या है कम ना पड़े और कहीं भी हम क्या है वेल मेंटेन और फिट दिखे मेरे दोस्त। वो चेस्ट पंप करने की एक्सरसाइज, चेस्ट को तुरंत बढ़ाने की एक्सरसाइज आपको लेके आया हूँ, और चेस्ट को कैसे इंप्रूव कर ले ताकि आपका चेस्ट हमेशा पंप रहे, हमेशा बड़ी दिखे मेरे दोस्त, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी क्या होने वाली है, आपको पुशअप्स लगाने हैं। तो पुशअप्स लगाने के जो तरीके मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जब भी पुशअप लगाते हो ना तो एक ऊंचा सतह लो, अगर ये नहीं है तो आप दो ईंट ले लो, जिससे क्या होता है कि मेरे दोस्त जब भी आप पुशअप्स लगाते हो, दिखाता हूँ कि आप जब पुशअप लगाते हो उतना दूर करो, जितना दूर रहेगा ना, जितना दूर रहेगा उतना पुशअप्स क्या आ जाएगा, अच्छा आएगा मेरे दोस्त। पुशअप्स लगाओ तो पूरा जितना हो सकेगा उतना चौड़ा करके लगाओ, जिससे क्या होगी आपकी जो चेस्ट दिखेगी ना वाइड दिखेगी, और क्या आपका चेस्ट क्या होगा खिल के आएगा ना, छोटा सा चेस्ट बन जाएगा, क्या फायदा। और चेस्ट लगाने पुशअप्स लगाने में आराम से पुशअप लगाएंगे तो चेस्ट एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है मेरे दोस्त। तो चेस्ट जब भी लगाए, पुशअप जब भी लगाए, पूरा क्या करें कि आप इसको वाइड रखें, पूरा वाइड रखें, जिससे क्या होगा आपकी चेस्ट क्या है और यार चौड़ी आए और यूनिक आए, देखने भी रहे कि हाँ चेस्ट है मेरे दोस्त। पुशअप्स लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ईट ही, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ईट ही लेना है, ऐसे ऐसे सोना है और देख सकते हैं आप ऐसे पूरे शरीर को क्या करना है, पंप करना है। मतलब चेस्ट है ना हमारा, जितना चेस्ट को ठकेलेंगे ऊपर उतना ज्यादा शरीर क्या होगा अच्छा आएगा, हमारा चेस्ट क्या होगा यूनिक दिखेगा। अब देख सकते हो, वन टू थ्री, अगर चाहते हो आप ऐसे ही बनाना, ऐसे करो, खोलो हाथ को बटरफ्लाई की तरीके से और ऐसे लाओ। एक ईंट से भी अपने चेस्ट को क्या कर सकते हो, पंप कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे देख सकते हो, वन टू, अपना पूरा फोर्स अपने चेस्ट पे डालो, हाथ पे डालने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा फोर्स अपने चेस्ट पे। ठीक है, और ऐसे 10 बार ऐसे मारो, 10 बार ऐसे लगाओ, टू थ्री, पूरा शरीर को क्या करो ठकेलो, पूरा चेस्ट को करो पंप करो, ताकि ताकि आपका जो चेस्ट हो क्या हो जाए अच्छी तरीके से खुल के आए, अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड आए। ऐसे मैं दिखा रहा हूं आपको कि उतनी एक्सरसाइज में मेरी चेस्ट क्या होगी, पंप हो गई होगी, देख भी सकते हो उतनी एक्सरसाइज में चेस्ट क्या हो रही है, पंप होके आ रही है और वाइल्ड और अच्छी तरीके से दिख रही होगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले ठंडी बहुत ज्यादा है, हवा चल रही है, इसके चलते मैं शॉर्ट खोल के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ले, उसके बाद मेरे पास तो ये सभी चीजें हैं जो सामान जरूरत है, देख सकते हो, इससे भी आप लगा सकते हो, जितना सा आपका वेट हो उसके अनुसार आप जितना वेट उठा पाओ उसके अकॉर्डिंग आप वेट लगा सकते हो। आप देख सकते हो खूब आराम से, और जो बाहर के आवाज नॉइस आते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि बाहर बच्चे आज मकर संक्रांति है और क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। थोड़ा सा आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और एक्सरसाइज करके फिट रहे मेरे दोस्त। चेस्ट इंटेंस, चेस्ट क्या हो जाए बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो डेली लाइफ में एक्सरसाइज फॉलो करना, अगर मैं आपको दिखा दूँ जब पूरी तरीके से चेस्ट की एक्सरसाइज आपकी हो जाए तो फिर से क्या करो, आप पुशअप्स लगाना चालू करो, अगर ईट हो ईट से, नहीं तो ये सभी चीजें हो तो ये सभी चीजें। इससे क्या होता है, हमारे चेस्ट में ये कट्स आने के चांसेस होते हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और आपकी चेस्ट और भी ज्यादा वाइल्ड होके आती है और भी ज्यादा चौड़ी दिखती है मेरे दोस्त। और आप जो होते हो एक अच्छी फिजिक, एक अच्छी बॉडी के मालिक बन जाते हो, और आपकी चेस्ट हमेशा क्या होगी, वाइल्ड दिख के आएगी। आशा करता हूँ सारी बात आपको समझ में आएगी, समझ में आएगी तो बने रहना चैनल पर, देखते रहना चैनल रेसर ब्लॉग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।